जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और रहेगा। इस बार भी पिछली बार सकीना है, इस बार मुस्कान है। क्या होता है कि गदर में अगर देखा जाए, पाकिस्तान के चितड़े चिचड़े उड़ गए, आप क्या चाहिए? अच्छा, सुने सुने एक मिनट क्या क्या लगा? औरंगाबाद क्यों बिहार में टिकट नहीं मिल रहा था? मिल रहा था, लेकिन हम लोग चाहे कि वाराणसी में देखेंगे, अब बोले वहाँ की नगरी में ही देखे। अच्छा, जब वो आए थे सनी देओल तो गाजियाबाद में देखने के लिए लोग सारी फ्लैटों में बिल्डिंगों में खड़ा हो करके पागल हो रहा था। लेकिन उस वक्त तो टीवी था, लेकिन अब मोबाइल क्या, मोबाइल सब फोड़ देंगे। हम पहुंच चुके हैं आईपी माल, और आईपी माल में लगा है गदर 2। 2001 में जैसे गदर आई थी, तबाही मचाई थी, लेकिन इस गदर की कहानी क्या है जानने के लिए पहुंच गए हैं आईपी माल। आप देख रहे हैं ये है वाराणसी, और कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं गदर 2 देखकर। गदर 2 की कहानी में क्या ऐसा है जो लोग इतना शोर शराबा अंदर कर रहे थे? पहले तो स्वागत है सर, गदर 2 फिल्म देखे हैं? जी सर। क्या लगा है गदर 2 देखकर, क्या एहसास हुआ है? सर हमको गदर 2 मूवी देख ऐसा लगा जैसे लगा कि हम लोग देशभक्ति जाग गया था। बहुत हलचल मचा, बहुत अच्छी लगी हम लोग को मूवी, और सकीना के रोल बहुत बहुत तगड़ा लगा, और तारा सिंह के रोल में हम लोग को बहुत जबरदस्त लगी है। अच्छा जी सर। अच्छा, गदर 2 में अलग क्या क्या दिखा है इस बार? इस बार भी पाइप उखाड़ा गया है या फिर बिना वीजा का तारा सिंह पाकिस्तान गया? तारा सिंह तो बिना वीजा का ही गए हैं, लेकिन इस बार जो चाबा हैंड पंप उखाड़ने की कोशिश की है ना, बस उन लोग देखे कर भागे, उखाड़े नहीं, उसी का डर से भागे उन लोग, पाकिस्तान लोग डर से भाग गया है। अच्छा। और उनके बेटे जीते का रोल बहुत बढ़िया था, बहुत मस्त रोल था उनका भी। हाँ, एकदम 3 से 3 स्टार को मिलना चाहिए। अच्छा, आप लोग भी देख के आ रहे हैं गदर 2? जी जी। गदर 2 देख कर क्या एहसास किया है आज गदर 2 के? अभी देखने के बाद बहुत मतलब अच्छा लगा। क्या नाम है आपका, नाम क्या? मेरा नाम विक्की कुमार हुआ। विक्की कुमार जी, कैसा लगा जैसे 2001 में तबाही मचा रहा था गदर 2 फिर तबाही मचा रहा है? जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। इस बार भी पिछली बार सकीना है, इस बार मुस्कान है। अच्छा, क्या लगा है इस बार? क्या होता है कि गदर में अगर देखा जाए, पाकिस्तान के चितड़े चिचड़े उड़ गए, आप क्या चाहिए? अच्छा, सुने सुने एक मिनट क्या क्या लगा, क्या मैडम, क्या पाकिस्तान? बहुत मस्त। अच्छा, उस गदर से इस गदर में क्या? दोनों मस्त। इस बार क्या लगा कि बिना वीजा का ही पाकिस्तान पहुंच गया तारा सिंह? वो तारा सिंह है, सिंह है, सिंह कहीं भी पहुंच सकता है। पकड़ ले तो फुकड़े, तो पकड़ गया है। और आते समय पे 1-3। अच्छा, सकीना के साथ सिंह तो पूरा पाकिस्तान को रख दिया, अकेले ही तारा सिंह पूरा पाकिस्तान को निशब नबूद करके रख दिए नाम। और जो पंजाबी का पावर होता है ना तारा सिंह जी, वो दिखाए इसमें। हाँ, जो ओरिजिनल सिंह इज किंग, ठीक है, जो ओरिजिनल ताकत है वो दिखाए हैं। अब पाकिस्तानियों के पैंट में पेशाब हो गया है। अच्छा, अब देख लीजिए पाकिस्तानियों के पैंट में पेशाब हो गया है, लेकिन हकीकत क्या है कि जिस तरह से गदर 2 आई है, कहीं ना कहीं सर कम से कम 500 करोड़ की बिजनेस करेगी कंफर्म दम। हाँ, जब फर्स्ट शो दम पूरा हाउसफुल चला है। अच्छा, और आगे भी चलेगा, कम से कम 2 महीना फिल्म चलेगी कंफर्म दम। अच्छा, 2 महीना चलेगी। अच्छा, ओ माय गॉड भी लगा हुआ इसी में देख रहे थे, ओ माय गॉड लगा वो देखिए, उधर देखे नहीं है हम लोग, तो गदर 2 देखे हैं। मिर्जापुर से आए हैं देखने, मिर्जापुर से चले आए, मिर्जापुर से आए टिकट, बिहार से आए सर, बिहार से, औरंगाबाद। क्यों बिहार में टिकट नहीं मिल रहा था? मिल रहा था, लेकिन हम लोग चाहे कि वाराणसी में देखेंगे, अब बोले वहाँ की नगरी में ही देखे। अच्छा, हाँ, बहुत सारे आप भी गई थी? हम तो भाई आज टिकट नहीं मिल रहा है। अच्छा, हाउसफुल चल रहा है, हाउसफुल टिकट ही नहीं मिल रहा है। कल को देखेंगे गदर, आप भी देखेंगे। अच्छा, गदर से क्या मतलब? 2000 है हमें गदर से, पहले भी देखे थे और आज भी। जो लास्ट वाला डायलॉग मारे हैं गीता और कुरान रख करके। अच्छा, उस गदर से और इस गदर में कितना का फर्क? बहुत डिफरेंस है। क्या लग रहा है इसमें? तारा सिंह को बहू मिल गई। अच्छा, बिना वीजा के पाकिस्तान पहुंचे और उसको मौसी मिल गई, जीते को। मौसी मिल गई, मौसी मिल गई। अरे बाप, बोलिए सर क्या नाम? गदर, मेरा नाम साजन यादव नाम है। अरे वाह यादव जी, साजन। तो गदर 2 मूवी बहुत अच्छी है, देखने बहुत अच्छा मूवी है। उसमें एक हीरोइन का नाम है मुस्कान। अच्छा। तो मुस्कान का, जब मुस्कान का नाम आता है तो हम कहते हैं ए मुस्कान, चला हिंदुस्तान, वो पाकिस्तान।
यानी मुस्कान पाकिस्तान में रहती है तो मुस्कान से बोलते है मुस्कान चला हिंदुस्तान, पाकिस्तान से चला हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तो जो उसने सनी देओल के लड़के कुछ डायलॉग याद किया है कि नहीं? कुछ डायलॉग जैसे उसमें कई डायलॉग थे कि बिना वीजा का ही दारा सिंह जाएगा पाकिस्तान, उसमें बस खाली यही है कि यही हम कहना चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस बार भी बोले हैं? इस बार भी बोले हैं। तो पाकिस्तानियों पे कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस बार? जैसे उस बार टीवी फोड़ दिया गया बहुत सारा कुछ, लेकिन इस बार क्या प्रभाव? पाकिस्तान जो देख रहे होंगे वो लोग तो फोड़ेंगे, फोड़ेंगे ना, फिर फोड़ेंगे टीवी फोड़ देंगे, बिल्कुल फोड़ेंगे, मानेंगे नहीं और क्या। अरे ये इतना खतरनाक होगा कि और क्या। पब्लिक जब आए थे सनी देओल तो गाजियाबाद में देखने के लिए लोग सारी फ्लैटों में बिल्डिंगों में खड़ा हो करके पागल हो रहा था। लेकिन उस वक्त तो टीवी था, लेकिन अब मोबाइल क्या, मोबाइल सब फोड़ देंगे, फोड़ देंगे, कोई नहीं छोड़ेगा, कोई ना छोड़े। अब देख लीजिए आईपी माल है बहुत सारा है। आप फिल्म देख के आ रहे हैं माता जी? नहीं देख के आ रहे, फिल्म देख के आ रही है? आज फिल्म देखी है? एक मिनट फिल्म देखी है आप? फिल्म देखी है? नहीं देखी है। बहुत सारा लोग है, बहुत लोग करना चाहते हैं, आज देखने का प्रयास करते हैं। अरे फिल्म देखे है आप? कैसा रहा फिल्म? गदर एकदम गर्दा मचा दिया की। अच्छा क्या गर्दा मचा दिया? क्या पहला वाला गदर देखे थे? हाँ। तो इस वाले गदर में क्या ऐसा लगा? पहले वाले से एकदम खतरनाक इस वाला है। अच्छा क्या अलग दिखा? बहुत मजा आया सर, सुना पूरा पूरा इंडिया के बारे में, बस बस सर बहुत मारे सर। हाँ तो पाकिस्तानियों पे कितना प्रभाव डालने वाला है ये फिल्म गदर? क्यों? बहुत मजा सर, पाकिस्तान में सब बैन कर देंगे। हाँ पाकिस्तान में बैन कर देंगे तो क्या होगा कि मतलब हिंदुस्तान में चलेगा कि नहीं फिल्म? बहुत तेज चलेगा, एकदम गर्दा मचा देगा कि? हाँ एकदम गर्दा मचा देगा, एकदम गर्दा मचा देगा। देख लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं, इनको भी पता है कि अच्छा बाबू अगर देखा जाए तो उसमें क्या होता है, इस बार कौन उनका बेटा बना था? उनका बेटा तो आपकी तरह था उस बार, इस बार कौन आया था? इस बार वही था, नाम एकदम उसका पता। अरे कैसे देखे हैं कि नाम है नहीं पता है? अब उसका नाम तो इतना अच्छी तरह से नहीं पता। आइए सर आइए आइए, फिल्म देखे हैं? जी सर। हाँ गदर टू और गदर जो पहली वाली गदर थी और इस गदर टू में कितना का अंतर है? ज्यादा अंतर नहीं लेकिन बढ़िया था, बेस्ट था। हाँ क्या ऐसा क्या लगा? उसमें डायलॉग बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग थे उसमें। हाँ डायलॉग डायलॉग क्या, एक भी डायलॉग बताइए जैसे उसमें डायलॉग था कि क्या होता है कि बिना वीजा और क्या होता है कि पासपोर्ट का दारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा, क्या लगता है कि इस बार चला गया? हाँ गया। हाँ इस बार अपने बेटे को लिए गया था। अच्छा इस बार अपने बेटे को वापस लाने के लिए गया था। कुछ कहानी में कुछ अंतर दिखा आपको कि नहीं, उस कहानी से इस कहानी से बहुत का फर्क हो? नहीं ज़्यादा अंतर तो नहीं था लेकिन उसमें ये था कि मतलब उसमें अपनी मतलब प्यार के लिए गया था। हाँ। और इस बार अपने बेटे के लिए, बेटा चला जाता है इनका। अच्छा अपने पिता को ढूंढने के लिए। हाँ। तो फिर ये मतलब उस बार सकीना के लिए गए थे। हाँ। और इस बार अपने पुत्र के लिए गए थे। जी, जी, हाँ? तो जी, पुत्र मिला कि नहीं? बिल्कुल पता चला कि मौसी को भी लेते आए पहले नहीं, अपनी बहू को भी लेकर आए हैं साथ। अच्छा चलिए उस फिल्म में आपने देखा होगा। हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। द मूवी इज ऑसम। क्या अच्छा लगा मूवी? मूवी देखे हैं? कैसा लगा? बहुत अच्छा मूवी था। अच्छा अच्छा गदर वन देखे थे? पहला वाला गदर देखे थे बाबू? कहाँ देखे? 20 साल का। नहीं। अच्छा इस वाले गदर को देखकर क्या एहसास लगा आपको, क्या लगा? मतलब बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा लगा। क्या उसे देखो, क्या उसमें एक अच्छा था कुछ बताओ जो बहुत अच्छा लगा आपको? हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई। तो क्या उसमें दिखाया गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नफरत थी या फिर लगाओ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान फिर जुड़ जाएगा? नफरत। नफरत क्या दिखाया गया कि पाकिस्तान से नफरत करो? नहीं। हाँ क्या दिखाया गया बेटा, कुछ भी बताओ क्या दिखाया गया? हाँ दिखाओ, बताओ कैमरे के सामने बताओ क्या दिखाया गया? ये तो नहीं पता। बच्चा है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं दिक्कत तो है लेकिन देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो फिल्म देख के आ रहे हैं और फिल्म देख के जा रहे हैं। इधर आईपी मॉल है बहुत काफ़ी, अगर देखा जाए तो भीड़ भी लगा है, टिकट भी नहीं मिल रहा है। हकीकत क्या है आगे के वीडियो में आपको दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।